युवक के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, लेकिन घटना की जानकारी के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके चलते कई संगठन के लोगों ने उक्त मामले की निंदा करते हुए गृह मंत्री से शिकायत करने की बात कही है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल मामला सतना जिले के नागौर तहसील के ग्राम पंचायत निवासी शिव नरेश द्विवेदी का है, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। बताया जाता है कि रात्रि करीब 8 बजे पूरे योजनाबद्ध तरीके से साजिश करते हुए आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था। मरणासन हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है। आरोपियों को बचाने में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग शामिल हैं। संजय गांधी अस्पताल पहुंचे पीड़ित परिजनों से मिलने और घायल का हाल जानने पहुंचे समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने पूरे मामले की निंदा करते हुए कहा है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए SDOP नागौद से बात की गई है। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती तो संगठन गृह मंत्री से मिलकर उक्त मामले को रखेगा। बताया जाता है कि अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके चलते परिजनों को धमकी दे रहे हैं। अगर समय पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकते थे। संजय गांधी अस्पताल पहुंचे समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष अभिषेक पांडे और सदस्यों ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि स्थानीय मंत्री और सांसद के दबाव में नागौद पुलिस अपराध दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। यह भी बताया जाता है कि विवाद की वजह राजनीतिक रंजिश है। आरोपियों ने पहले ही वर्ग विशेष को टारगेट कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसका परिणाम यह निकला कि युवक के ऊपर हमला हुआ और अब आरोपियों को राजनीतिक पार्टियां संरक्षण दे रही हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित के परिजनों ने क्या आरोप लगाया है। कैसे घटना घटी आपके साथ, कैसे मारपीट हुआ, पूरी जानकारी दें, पूरा बताएं। मुझे घर में था, बगल में बैठी रही है, तेज बोलिए। गणेश जी गया नहीं देखा है, पटेल का लड़का बैठा रहा है, राजा पटेल के नाती और लखन के लड़का दूठे बैठे रहे हैं, और भूरा का लड़का एक ठे बैठा रहा है, चार पांच लोग रहे हैं। धक्का मारे तो हम कहें धक्का न मार, खूब गाली गलौज देने लगा था, हम किनारे वही गए, हम चले आने अपने घर आए। आए के बाद इतने वहाँ से आबा हमसे लपट गए, लपटे के बाद राड मार दी, फिर वहाँ तक गणेश जी तक। कितनी बड़ी राड रही? राम बालक पटेल रहा है, पांच छह लोग हो रहे हैं, पटेल सरपंच रहा है। क्या नाम है सरपंच की? पंकज सिंह है। पंकज सिंह सब। गांव का नाम बताएं। अटरा। पूरा बताया करें, जिला तहसील थाना सर। ग्राम पंचायत अटरा, तहसील उचेहरा, जिला सतना, थाना नागौर। माता राम आपके कहाँ लगा है? अच्छा, ये जहाँ सूजन है किस चीज से मारे? लाठी। अच्छा, लाठी से मारे। हाँ। आप पकड़ने गई थी वहाँ? अच्छा, बचाने गई थी। राजेंद्र है, राजेंद्र सिंह पटेल है, सरपंच पंकज मधुराज सिंह और अमर सिंह और अनुराग सिंह, राम बालक और धीरज। जब आप लोग थाने गए तो वहाँ पे जब शिकायत करने गए वहाँ पे क्या कहा गया कार्रवाई को लेकर? जी, जब हम लोग शिकायत करने गए तो पहले का नाम से ये कह रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो, कैसा लटरा से, कहीं जो पंकज सिंह से विवाद हुआ ही हो, कहीं जी सर। फिर ऐसा में स्पष्ट रूप से कह के गए हैं कि इसमें केवल अब 323-294 के अलावा कोई न करना, अभी रुक जाओ, अभी क्या कर आगे बताता हूँ जो करना होगा। दो घंटे हम लोग बैठ रहते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी। दो घंटे बाद इन्होंने रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से लिखा है, लास्ट चरौरी में। उसके बाद उन्होंने MLC बनाई, हम लोग वहाँ गए, उसके साल है नगौद में डॉक्टर साहब ने सीधे सपना पर रेफर कर दिया।